नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। जी हां, देवगुरु बृहस्पति 4 नवंबर 2019 को वृश्चिक राशि को छोड़ अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि व तुला लग्न वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। मित्रों, फलादेश प्रारंभ करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। तुला लग्न व तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वर्तमान के अंदर द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 10-11 माह में आप लोगों ने देखा होगा कि कुटुंब परिवार में आपको मतभेद देखने को मिले होंगे, धन की भी देखने को मिली होगी कमी। साथ ही आपने आपकी वाणी में क्रूरता होने के चलते कई समस्याओं का किया होगा सामना। इन्हीं 10-11 माह के अंदर तुला राशि वाले जातकों को जॉब संबंधित समस्याएं भी देखने को मिली होगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे व कर्ज इत्यादि के योग भी बने होंगे। साथ ही यदि आपको कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि चल रहा था तो उसमें भी नहीं देखने को मिले होंगे पक्षकारी परिणाम। मानसिक तनाव में वृद्धि देखने को मिली होगी व ससुराल पक्ष से भी नहीं देखने को मिले होंगे श्रेष्ठ लाभ। पिछले 10-11 माह के अंदर आपने अपने कर्म क्षेत्र में भी बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। अब मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति तुला राशि व तुला लग्न वाले जातकों के लिए मारक ग्रह होते हैं। ऐसे में जब 4 नवंबर 2019 को यह द्वितीय भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तो तुला राशि वाले जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तभी देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ लाभ। साथ ही समय के अंदर आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए। यदि आपने अपनी तरफ से संयम नहीं रखा तो छोटे भाई बहनों से भी मनमुटाव इस समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 नवंबर 2019 के पश्चात व्यापारिक यात्राओं में भी आपको भागदौड़ देखने को मिल सकती है। व्यापारिक दौड़ भाग के साथ साथ ही मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, 4 नवंबर 2019 के पश्चात आपको दाम्पत्य योग में भी मधुरता बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा दाम्पत्य योग में भी देखने को मिल सकते हैं उतार चढ़ाव। इसी के साथ यदि 4 नवंबर के पश्चात आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो आपको चाहिए कि बड़े सोच समझ कर डिसीजन लें, अन्यथा देखने को मिल सकता है पार्टनरशिप में धोखा। साथ ही भाग्य की आपको थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है व पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 4 नवंबर के पश्चात तुला राशि वाले जातकों को आय में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं व बड़े भाई बहनों के संबंधों में देखने को मिल सकते हैं मनमुटाव। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने परिवार के सभी लोगों से संबंध मधुर बनाकर रखें। अब मित्रों, यहां मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 2020 को शनिदेव धनुराशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से तुला राशि व तुला लग्न वाले जातकों के लिए बड़ा ही गजब समय प्रारंभ हो जाएगा। भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी व माता का स्वास्थ्य पुष्ट रहेगा। यदि आप काफी समय से कोई जमीन जायदाद वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे तो शनिदेव देंगे आपको मनचाहा वरदान। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज चढ़ा हुआ है तो उससे निजात मिलेगी व कोर्ट कचहरी मुकदमा यदि आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। जॉब से संबंधित भी यदि आपको कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। तुला राशि के वे व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी व नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेगी पदोन्नति। स्वयं का व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूप में निखर कर सामने आएगा। वे आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। संतान पक्षीय भी शुभ समाचार आपको सुनने को अवश्य मिलेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो 24 जनवरी 2020 के पश्चात आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी समय रहेगा। अब मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, शनिदेव का राशि परिवर्तन तो आपके लिए बड़ा ही गजब रहने वाला है, किंतु 4 नवंबर 2019 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए पक्षकारी साबित नहीं होगा। ऐसे में आपको चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का आपको बुरा प्रभाव देखने को ना मिले, साथ ही शनिदेव के राशि परिवर्तन का देखने को मिले पूर्ण रूप से लाभ। तो मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, पीला भोजन नहीं करना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण जैसे बेडशीट, पिलो कवर इत्यादि में भी गुरुवार के दिन पीले कलर का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए पूर्ण रूप से श्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा। नित्य 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें, देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। तब तक के लिए नमस्कार।